25 मार्च वो तारीख है जब यूपी में फिर से योगी का विजय तिलक होगा। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए लखनऊ के कान्हा स्टेडियम को भव्य तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें बड़े बड़े वीआईपी शामिल होने वाले हैं। लेकिन क्या विपक्ष के नेता शामिल होंगे, ये रिपोर्ट देखिए। इकाना सचकर तैयार, शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार। योगी 2.0 में वीआईपी मेहमान, मंत्रिमंडल में कितने नाम। उत्तराखंड में सीएम के सस्पेंस से पर्दा हटने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी में होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह पर है, क्योंकि जिस इंटरनेशनल इकाना क्रिकेट स्टेडियम में योगी 2.0 की शपथ होगी, वहां दिन रात शपथ की तैयारियां चल रही हैं। किस तरह से इकाना स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, आप देखिए। यहां पर ये जो स्टेडियम है, करीब 75,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है, जो साक्षी बनेंगे इस भव्य समारोह के, क्योंकि दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी हुई है। तमाम रिकॉर्ड भी टूटे हैं। लगातार भाजपा के कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और आप देखें यहाँ पर तैयारियाँ जो है किस तरह से जोरों से चल रही हैं। ये सारी जो चेयर्स हैं, जो फिक्स चेयर्स हैं, वो भी बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा वीवीआईपीज के लिए अलग से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। जिस तरह से योगी ने यूपी में सफलता के नए मापदंड गढ़ दिए, ठीक उसी तरह इकाना में होने वाली शपथ एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है। स्टेडियम के दोनों तरफ किनारों पर वीवीआईपी के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसके लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं। करीब 150 से 200 वीवीआईपी के लिए खास इंतजाम है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, उसकी संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी की बैठक आज संपन्न हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। लोग उस दिन अपना शपथ लेंगे और राज्य के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। स्टेडियम में एक बड़ा मंच बनाया गया है, जिस पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कुछ खास लोग बैठेंगे। इसी मंच पर योगी आदित्यनाथ सीएम पद की दोबारा शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सभी लोग इसी सामने जो मंच तैयार किया गया है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ में कुछ और विशेष लोग भी मौजूद रहेंगे, जो यहाँ पर जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा उसके साक्षी बनेंगे। इस दिन समारोह को भव्य रूप देने के लिए तमाम तरह की यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। एक तरफ जहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था है, इसके अलावा LED स्क्रीन्स भी बड़ी बड़ी यहाँ पर लगाई जा रही हैं। शपथ की तैयारी जितनी स्टेडियम के अंदर हो रही है, उतनी स्टेडियम के बाहर भी। स्टेडियम की बाउंड्री को रंग बिरंगे फूलों वाले गमलों से सजा दिया गया है। जितनी तैयारी शपथ ग्रहण के लिए इस स्टेडियम के अंदर की जा रही है, उतनी ही तैयारी, उसी जोर शोर से जो तैयारी है वो अगर कहें तो स्टेडियम के बाहर भी चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्टेडियम के बाहर लाइन से ये गमले लगाए गए हैं, रंगीन फूलों वाले ये गमले। साफ सफाई की व्यवस्था पूरी हो चुकी है यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर अगर बात करें जो आगे आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग, वहाँ पर पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ वीवीआईपीस की वहाँ से एंट्री रहेगी। 25 मार्च को जब योगी फिर से यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे तो 75,000 लोग इसके गवाह बनेंगे। इसमें आम आदमी से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा और काशी से आए साधु संत भी होंगे। अब इसकी विस्तृत रूपरेखा संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन जनता का जो आकर्षण है और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, वो बीजेपी के प्रति अपार उत्साह दिखाई पड़ रहा है, और मैं समझता हूँ कि भारी संख्या में लोग आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल योगी 2.0 के मंत्रिमंडल का है, मतलब योगी के साथ 25 मार्च को कौन कौन शपथ लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक इस बार योगी अपने मंत्रिमंडल में उन्हीं चेहरों को शामिल करना चाहते हैं जो दमखम रखते हों और किसी एक सेक्टर में उनको महारत हासिल हो, ताकि उन्हें उन्हीं मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जाए और यूपी के विकास में और ज्यादा रफ्तार दी जाए। लेकिन सवाल डिप्टी सीएम का भी है, क्योंकि पिछली बार 2 डिप्टी सीएम थे, इस बार 2 ही होंगे।
या फिर ये संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब 25 मार्च की शपथ के बाद ही साफ हो सकता है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।